नमाज ढाबा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको चाउमीन कैसे बनाते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने देखिए चाउमीन पहले से उबाल लिया है और उबाल कर थोड़ा सा इसमें रिफाइन ऑयल मिला करके ठंडा करने को फ्रिज में रख दिया था। जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए तो ये आप देखें कि बिल्कुल चाउमीन अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल चिपकेगी नहीं। गरम गरम चाउमीन नार बनाएं, पहले उबाल कर इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। अब देखिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, रिफाइंड डालेंगे। आप इसमें चाइनीज कढ़ाई यूज करें या तो स्टील की कढ़ाई यूज करें। चाइनीज खाने के लिए स्टील की कढ़ाई सबसे बढ़िया होती है या चाइनीज कढ़ाई बढ़िया होती है, पतले पेंदे की कढ़ाई हमारी होनी चाहिए। अब इसमें मैंने खड़ी मिर्च डाली है, 2-3 खड़ी मिर्च आप डाल दें, क्योंकि चाउमीन की क्वांटिटी हमारी ज्यादा नहीं है तो मैंने मिर्च 2-3 ली है। इसके बाद मैंने एक प्याज काटा है, आप देखिए प्याज मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। प्याज डाला, गाजर, इसको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब ये हमारे 1 मिनट हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है सब्जियों को, क्योंकि जो सब्जियां हम यूज कर रहे हैं ये कच्ची भी खाई जाती हैं। आज हमारे पास मेरे घर में शिमला मिर्च नहीं है इसलिए मैंने शिमला मिर्च नहीं डाला। आप इसमें शिमला मिर्च भी डालें तो और बढ़िया स्वाद आएगा। अब इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए नॉर्मली चाउमीन बच्चों को बहुत पसंद आता है और हम सबको पता है कि मैदा जो है वो सेहत के लिए उतना बढ़िया नहीं है, तो मैंने थोड़ा पौष्टिक बनाने के लिए इसमें पनीर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और पनीर डाला है कि थोड़ी प्रोटीन की भी पूर्ति हो जाए बच्चों के लिए। इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे। देखिए धुआं आने लगा कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई ये पतली है, स्टील की है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाइनीज खाने में ये धुआं आना बहुत जरूरी है, अगर आप मोटी पेंदे की कढ़ाई बनाएंगे तो इस तरह का धुआं नहीं आ पाता। अब हम इसमें नमक डालेंगे। चाउमीन पकाते वक्त भी मैंने नमक डाला था, नमक आप कम डालो क्योंकि इसमें हम सॉसेस भी डालेंगे, सोया सॉस में नमक पहले से होता है। अब इसमें मैंने ये हरी चिली सॉस थोड़ी सी, रेड चिली सॉस थोड़ी सी, सोया सॉस थोड़ा सा क्योंकि चाउमीन की क्वांटिटी हमारी कम है, और टोमेटो केचप, थोड़ी सी टोमेटो केचप, इसे हम चला लेंगे और तुरंत हम इसमें चाउमीन डाल देंगे और इसे 1-2 बार उलट पलट कर लिया। ये बिल्कुल चाउमीन हमारी रेडी है, बहुत यम्मी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू। आप ये देखें सारे स्ट्रैंड चाउमीन के बिल्कुल अलग, कोई चिपका हुआ नहीं है। तो टिप ये है कि चाउमीन उबालकर इसे 2 घंटे फ्रिज में जरूर रखें तो ये चाउमीन आपकी इस तरीके से बिल्कुल यम्मी बनेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नमाज ढाबा को।